झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू होने वाला है। सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि सरकार बजट सत्र को लेकर तैयार है। उन्होंने सत्र के दौरान विपक्ष के सहयोग की अपील भी की है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम से बातचीत की हमारे सहयोगी विपिन उपाध्याय ने। विधानसभा का बजट सत्र 25 तारीख से शुरू हो रहा है। 25 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होंगे। झारखंड के नए वित्तीय वर्ष का बजट आना है। कई ऐसे जनहित के मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष भी सरकार को सदन में घेरने की कोशिश करेगा। क्या तैयारियां हैं सरकार की, किस तरह से तैयार है सरकार इस बजट सत्र को फेस करने के लिए, इस पर हम बात करते हैं राज्य के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम से। सर, 25 तारीख से जो सत्र शुरू हो रहा है उसको लेकर सरकार की तैयारियां कितनी हैं? देखिए, बजट सत्र है और 2022-23 का बजट पेश किया जाएगा और सरकार हर तरफ से तैयारी पूरी कर ली है। और इस बार जो बजट का चॉकआउट हुआ है, ग्रामीण, शहरी और सभी वर्ग को, समाज को ध्यान में, सभी वर्ग को ध्यान में देखते हुए बजट का। कई ऐसे मसले हैं, चाहे भाषा विवाद की बात करें, पंचायती चुनाव की बात करें, ये लगातार तीसरा बजट सत्र है जब लीडर ऑपोजिशन हाउस में नहीं होगा। लॉ एंड ऑर्डर पर भी बीजेपी लगातार सरकार के खिलाफ सड़कों पर नजर आ रही है, तो इन सब मसलों पर कैसे सदन में जो है वो सदन सुचारू रूप से चल पाएगा, इसको लेकर प्रयास करेंगे आप? देखिए, एक समस्या का निदान होता है, दूसरा समस्या विधानसभा चलाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। अगर दोनों अपनी जिम्मेदारी को समझ ले तो आराम से विधानसभा चलेगी। और जो भी समस्या की बात आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की बात आप कर रहे हैं, भाषा विवाद की बात कर रहे हैं, आज हम, मुझे लगता है कि खास ऐसा कोई इशू है नहीं। अगर ऐसा इशू आता है तो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर सदन में ही इसका समस्या का निदान किया जा सकता है। ये थे राज्य के संसदीय कार्य मंत्री, जो आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि 25 तारीख से शुरू होने वाले बजट सत्र में सरकार जो है वो सदन को चलाएगी, बेहतर तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाएगा। और विपक्ष से भी सरकार ने सहयोग मांगा है कि सदन की गरिमा और सदन के परंपरा के अनुसार बजट सत्र को चलने में सरकार का सहयोग दे। सहयोगी सुशील के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।